स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं द क्लॉथ्स वी वियर, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े कॉमन क्लॉथ्स फॉर वीमेन एंड कॉमन क्लॉथ्स फॉर मेन। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, एवरी स्टेट और रीजन हैज़ इट्स ओन ट्रेडिशनल ड्रेस। प्रत्येक स्टेट और प्रत्येक रीजन के पास अपना ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, पारंपरिक ड्रेस होता है। नाउ अ डेज दिस ड्रेसेस आर वर्न मोस्टली इन विलेजेस। आजकल इन ड्रेसों को, इन पोशाक को ज़्यादातर गांव में पहने जाते हैं। पीपल इन सिटीज़ वियर देम ओकेजनली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड मैरिज। लोग शहरों में इस ड्रेस को कभी कभार, जैसे फेस्टिवल्स और मैरिज के समय पहना करते हैं। द ट्रेडिशनल क्लॉथ्स हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द पीपल विथ देयर एस्टेट। ट्रेडिशनल कपड़े अलग अलग एस्टेट्स के लोग को पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करता है। ऑब्जर्व द ट्रेडिशनल ड्रेसेस worn by the people of different regions। ऑब्जर्व कीजिए, देखिए ट्रेडिशनल ड्रेस को जो डिफरेंट रीजन के लोगों के द्वारा पहना गया है, जो नीचे पिक्चर में दिखाए गए हैं। अलग अलग रीजन के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं। The traditional dresses of the people in the northeastern mountains are very colorful and unique। जो पारंपरिक ड्रेस होता है, ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, वो नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेंस के लोगों का ड्रेस बहुत ही कलरफुल एंड यूनिक होता है। A few traditional dresses of India are shown below। कुछ पारंपरिक ड्रेसेस नीचे दिखाए गए हैं। एग्जाम्पल, पंजाब, पंजाब के लोग इस टाइप्स के ड्रेस पहनते हैं। गुजरात, हरियाणा, नागालैंड, कश्मीर, सिक्किम। ज्वेलरी इज़ अ पैशन विथ इंडियन वुमेन। ज्वेलरी इंडियन वुमेन का एक पैशन है, शौक है। अ ह्यूज वेराइटी ऑफ ज्वेलरी आइटम्स आर मेड इन इंडिया। बहुत बड़े मात्रा में, बहुत ज़्यादा वेराइटी में इंडिया में ज्वेलरी आइटम्स बनाए जाते हैं। They are made from precious metals like gold, silver and platinum। ये ज्वेलरी मूल्यवान और कीमती मेटल से बनाए जाते हैं, like gold, silver and platinum। इन सारे मेटल्स का यूज करके ज्वेलरी बनाया जाता है। Precious and semi-precious stones are also used in jewelry। कीमती और कुछ कम कीमती स्टोन्स का यूज़ भी किया जाता है ज्वेलरी में। वियरिंग बैंगल्स इज़ यूनिक टू इंडिया। इंडिया के लिए बैंगल्स पहनना, चूड़ी पहनना एक यूनिक माना जाता है। मीन्स दूसरे कंट्री में बैंगल्स नहीं पहने जाते हैं। इंडिया एक ऐसा देश है जहां बैंगल्स पहना जाता है, चूड़ी पहना जाता है। Men in India use various headgears like caps and turbans। India के लोग various headgears use करते हैं, like caps means टोपी, turbans means पगड़ी। The style of tying a turban varies from state to state।
पगड़ी बांधने का स्टाइल सभी स्टेट में वैरी करता है। एक स्टेट में दूसरे स्टाइल से बांधा जाता है तो फिर दूसरे स्टेट में दूसरे तरीके से बांधा जाता है। नाउअडेज मेनली विलेजर्स वियर टर्बन्स। आजकल के दिनों में सिर्फ गांव के लोग ही टर्बन्स बांधा करते हैं, पहनते हैं। बट सिक्स ऑल ओवर द कंट्री वियर टर्बन्स रेगुलरली। लेकिन सिक्स पूरे कंट्री में टर्बन्स पहनते हैं, जो डेली पहनते हैं, रेगुलरली टर्बन्स का यूज करते हैं। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।